आयला, आज क्या ऐसा खास दिन है जो इतनी बड़ी आफत आ गई? ये तो आज गणेश जी का जन्मदिन है, क्या उसके लिए ये सब मुझे आंखों से घूर घूर के देख रहे हैं? देखिए ना बाबा, कैसे बुद्ध बनकर खड़ी। मैं कह रहा था ना कि ये जिया नहीं है, ये हो ही नहीं सकती। 22 मार्च माँ बाबा की एनिवर्सरी, 13 जून समर भैया का जन्मदिन, 8 सितंबर तुम्हारा जन्मदिन। बाबा, आज मेरा जन्मदिन है, आप मुझे आशीर्वाद नहीं देंगे? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आखिर तुम्हें याद तो आया। दीवा, सही टाइम पे याद दिला, वरना अपुन की तो आज वाट लग गई थी। हर बर्थडे पर हमारी जिया सबसे पहले हमारे पैर छूने आती है और तुम नहीं आई, तो हमने सोचा पता नहीं हमारी जिया को क्या हो गया। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे जिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मॉम। जिया, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे जिया। तुम्हें याद है? खुद को बुला सकता हूँ, पर इस दिन को नहीं। शेखर, अब वैसे भी कितने दिन बचे हैं जो तुम इस दिन को याद रख रहे हो? चुप, ऐसे नहीं बोलते जिया। जिया, तुम नहीं जानती, पर तुम्हारे साथ बीता हर लम्हा, हर पल मेरे लिए बहुत अनमोल है। रात से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही थी मैं। भाई ने पूना भेज दिया था, एक इम्पोर्टेंट डील फाइनलाइज करनी थी। भाई का यहाँ रहना जरूरी था तो मुझे जाना पड़ा। मौसम खराब होने की वजह से आधा रास्ता नेटवर्क भी नहीं मिला। एनीवे, ये रही तुम्हारी मेडिसिन। क्या हुआ जिया, क्या सोच रही हो? शेखर, मेरी एक मदद करोगे? बिल्कुल करूंगा। ये समझ लो कि आज मैं तुम्हारा जिन हूं, जो हुक्म करोगे वही मिलेगा। हुक्म करो मेरे आका। सोच लो। सोच लिया। मुझे मां से मिलना है। जिया, तुम्हारा बर्थडे है ना, उस पे मेरी तरफ से तो ढेर सा आशीर्वाद बेटा। अब मेरी तरफ से ये। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? रख लीजिए, ये तो तेरे पहनने उड़ने की तो दिन है। और ये है मेरी तरफ से डायमंड की चूड़ियां। हाँ, ले। जिया, विश यू हैप्पी बर्थडे। अरे भैया, आइला, ये किस गरी को नहीं चाहिए, लाओ लाओ। अरे, और कोई बचाए तो भी आप उनको दे दो जल्दी। जी आप, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। जी आप, तुमने तो कहा था कि तुम्हें गिफ्ट्स लेना पसंद नहीं। वो तो मुझे अभी भी वैसे ही लग रहा है, लेकिन क्या है ना कि देने वालों को मना करके उनका दिल भी तोड़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, है ना? बात कुछ और है। आज तो मुझे तुम पर सिर्फ शक हुआ है। छिपकली कहेगी, तुझे तो अपुन पर सिर्फ थोड़ा सा शक है, लेकिन अपुन को तो पूरा यकीन है, तू तो पूरी चुड़ैल है। वक्त आने पर ना तेरा भी हिसाब पूरा कर दूंगी। कितने महंगे होंगे ये तोहफे, याद नहीं आती तो इनको पाने के सिर्फ सपने ही देखती रहती।
मामू, ये घर तो सोने की खान है। देवा रे देवा, माला माल हो गए अपुन तो। बस थोड़ा सा रोकड़ा मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन रोकड़े के लिए अब क्या चक्कर चलाएगा अपुन? माँ का फोन है। हेलो माँ। माँ थैंक यू। जी नहीं, सब लोगों ने मुझे इतने सारे तोहफे दिए हैं। शॉपिंग? नहीं नहीं, मुझे नहीं शॉपिंग करनी। नहीं नहीं माँ, वो मेरे पास कैश नहीं है ना। अनुसूया जी का फोन है। हाँ माँ, आपको नमस्ते कह रही है। नमस्ते। माँ, माँ, हेलो माँ। क्या हुआ रख दिया? मुझे बात करनी थी उनसे। नहीं शायद कर गया। चलो कोई बात नहीं। ये लो बेटा, रख लो। बाबा लेकिन। बेटा इससे अपनी मनपसंद चीजें खरीद ले। बाबा ये तो ब्लैंक चेक है। खरीद लो अपने मन की पसंद की चीजें। लल्लू भी आज अपुन को कुछ ना कुछ तो जरूर देगा। हाँ लेकिन इससे कुछ अच्छा निकालने के लिए सलाह अपुन को अभी रोमांटिक होना पड़ेगा। मैं अभी आई। चलो चले। कहाँ? चलो तो सही। शो? कम 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 कम। जिया। हाँ शेखर, मेरे हर जन्मदिन पर माँ सुबह 7 बजे से ही शुरू हो जाती थी। 4 रेसिपी बुक, किसी सहेली को फोन या फिर प्रिया की मदद। उस दिन तो माँ मुझे किचन में घुसने तक नहीं देती। और तो और शादी के बाद भी सबसे पहले मैं उनके हाथों से बनाया हुआ केक काटती। और आज भी मैं जानती हूं माँ ने जरूर केक बनाया होगा, लेकिन ना ही आज मैं वो केक काट सकती हूं और ना ही खा सकती हूं। लेकिन शेखर, मैं माँ को देख तो सकती हूँ, उनके पांव तो छू सकती हूँ। क्या क्या पापा मेरी जिया बदल गई है? पहले जैसी नहीं है, वरना ऐसा कभी नहीं होता कि आज के दिन वो यहाँ मेरे पास नहीं है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, एक फोन करना है। क्या मैं अंदर आ सकती? हाँ, तुम्हारे घर वाले भी परेशान हो रहे हैं। हाँ लो। चाय पियोगी? जी नहीं, एक ग्लास पानी चलेगा। अभी ले। Thank you.
बर्थडे। एक्चुअली आज बर्थडे मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है। उसी के लिए केक बनाया है। बस आती हो क्यों? लेकिन तुमने मेरे पैर क्यों छुए? वो मौसम की वजह से मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और आपने मुझे घर में ले लिया। एक माँ ही तो अपनी बेटी के लिए इतना कर सकती है ना। देखिए माँ जी, आप आंसू मत बहाइए वरना आपकी बेटी को भी बहुत बुरा लगे। मैं चलती हूँ। क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगी। अरे घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ रखा है। कैसा लगा? अच्छा है। एक मिनट, अच्छे हो, कितना खूबसूरत है ये हार। I'm so thrilled, शोम। Thank God तुम्हें अच्छा लगा, नहीं तो मुझे तो लग रहा था तुम ये सब देखकर कहीं नाराज ना हो जाओ। नाराज क्यों? अरे तुम ही ने तो कहा था कि इन सब चीजों पे बेकार पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, भूल गई? वो तुम्हारे आंखों में जो खुशी झलक रही है उसे मैं कैसे छीन सकती थी? थैंक्स, लेकिन मुझे फिर भी लगता है यू हैव चेंज्ड। सब अपनों की खातिर। एक मिनट। हेलो, मैं अभी आती हूँ। क्यों? मुझे जाना होगा। कहाँ? कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कौन? देखो मैं केस करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा उसे। एक मिनट, वो मेरी माँ है। तो अब मैं जाऊं? लेकिन प्लीज जल्दी आना। अभी तक नहीं आई तो मुझे लगा तू सचमुच बदल गई है। माँ कोई कितना क्यों ना बदल जाए, अपनी माँ को थोड़ी भूल सकता है। बहुत बातें बनाने लगी है, चल जल्दी से केक काट। Happy birthday to you, dear Jia. Happy birthday to you. Thank you, Mom. Thank you very much.
मैं जानती हूँ समर कि अब तक मेरे नाम के साथ शेखर का नाम जुड़ा है। तुम मेरे करीब नहीं आओगे, लेकिन मैं तुम्हें अपने करीब लाकर ही रहूँगी। आज की ये पार्टी है तो जिया के बर्थडे की, लेकिन जश्न मैं मनाऊंगी। ये पार्टी इस घर को सालों साल याद रहेगी। भाभी जरा किचन में जाके देखी खाने पीने का सामान है, सब ठीक है कि नहीं? तो सब ठीक ठाक है? ऐसे हंस रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अरे वो तो क्या, पूरे पांडे फैमिली को देखिए, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई गलती नहीं की है। छोटे की बीवी है और बड़े के बच्चे की माँ बनने वाली है, लाज लज्जा शर्म तो कुछ बचा ही नहीं है। बेचारा समर, उसके बारे में तो सोचो, उस पर क्या बीत रही होगी। मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने बायकॉट कर देना चाहिए, वरना ये लोग तो समाज से संस्कार और नियम तो मिटा ही देंगे। हाँ समाज की ठेकेदार है, समाज तुम्हारे बाप का है। जबान संभाल के बात करो नेत्रा। शट अप। हू द हेल आर यू? तुम होती कौन हो मेरे परिवार में टांग अड़ाने वाली? मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मैं किसकी बीवी हूँ, किसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इससे तुम्हें क्या लेना देना? क्यों लेना देना नहीं है? क्यों लेना देना नहीं है? तुम जो करतूत कर रही हो उसका सारे समाज पर असर पड़ता है। पांडे साहब, आप जो कुछ कर रहे हैं ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, गलत क्या है इसमें? सरोगेट माँ बनाने के लिए आपको छोटे बेटे की ही वाइफ मिली। कहना क्या चाहती हो तुम? तुमने जो किया है वो गलत किया है, बस यही कहना चाहती हूँ मैं। ठीक है, इन्हें खुशियां देने का अगर ये तरीका गलत है तो मैं इसे सही करने के लिए दूसरा रास्ता अपनाऊंगी। एक मरे हुए रिश्ते को दफन करके अगर मैं दूसरे रिश्ते को जिंदा रख सकती हूँ तो मुझे वो रास्ता अपनाना सही लगता है। बाबा, मैं अपने माँ बाबा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बाबा, मेरे और शेखर के रिश्ते में अब बचा ही क्या है? ये रिश्ता एक नेक काम को बदनाम कर रहा है और ये मैं होते हुए देख नहीं सकती बाबा, इसलिए मैं शेखर से अलग हो जाऊं। I want divorce.